हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेस्कटॉप पे YouTube म्यूजिक कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि YT म्यूजिक ऐप अपने डेस्कटॉप पे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका आनंद आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के डेस्कटॉप पे YouTube एप्लीकेशन है, इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये दिखता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपके सामने देखिए इस तरह से ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे ओपन होने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से यूट्यूब म्यूजिक ऐप का आनंद ले सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करके, जैसे मोबाइल में आप यूज करते हैं उसी तरह से म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करके इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करके बड़ा स्क्रीन भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। फिलहाल हम यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन था वो रिमूव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। इसके लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना है। आप किसी भी ब्राउजर पे, यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ गए हैं, यहाँ पे आपको लिखना है YT म्यूजिक ऐप। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं YT म्यूजिक ऐप, और इसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। फर्स्ट वाले लिंक पे music.youtube.com इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने YT म्यूजिक का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है और आपके सामने दिखेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि YT म्यूजिक ऐप का जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो सर्च बार है आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे एक आइकन है डाउनलोड का, यहाँ पे इंस्टॉल यूट्यूब म्यूजिक, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूछता है आप इंस्टॉल करेंगे क्या, तो यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये म्यूजिक ऐप के रूप में इंस्टॉल ओपन हो जाता है। जैसे कि देखिए गूगल क्रोम अलग हो गया और ये अलग से ओपन हो गया, और ये जो आइकन है म्यूजिक ऐप का वो आपके डेस्कटॉप पे भी शो करने लगा है। तो इस तरह से आप कुछ ही सेकंड में म्यूजिक ऐप अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।